वली के तेवर ठीक नहीं थे। उसने मुझे रोका, उसकी साइड ली रामीन की। काश काश उस सपोलिए को मैं उसी दिन अपने पैरों तले कुचल के मार देती तो आज मेरी औलाद मेरी अपनी होती। आश्ता बोलो फायजा, क्या जरूरत है इस बात को बार बार दोहराने की? तो क्या करूं, पता नहीं क्या सोच के मैंने रहम खा लिया उस पे। अच्छा चलो, जो होना था हो गया ना, अब आगे का सोचो कि आगे क्या करना। कुछ छोड़ा है उसने सोचने के लिए? एक बात बोलू मैं, होने दो जो हो। क्या मतलब? मतलब रामीन की शादी फरहान से होने दो तुम। क्या तुम जानते हो कि सोबिया कौन है? हाँ जानता हूँ मैं। वो बता देगी सबको? नहीं बताएगी, जब आज तक नहीं बोली तो आगे क्यों बोलेगी? नहीं शाहनवाज, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये शादी हो जाएगी तो कम से कम एक सिलसिला तो खत्म होगा ना, ये अमीर गरीब वगैरह वगैरह। फिर वो मीरू की टेंशन भी तो बढ़ सकती है ना। वो डरा रहे हो मुझे? डरा नहीं रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मीरू जली थी ना, लाश नहीं मिली और ना ही कोई जलने के सबूत है। वो कभी ना कभी तो सामने आ सकती है ना, और वो लम्हा काबू में तभी आएगा जब इस लम्हे को काबू करोगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, रामीन घर पे नहीं रह सकती, रामीन की शादी नहीं करनी, ऊपर से वो मीरू, तुमने अजीब मुसीबत में फंसा दिया मुझे। फंसा दिया? मैंने नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। शाहनवाज याद रखना, मेरे हर गुनाह में तुम उतने ही शरीक हो जितनी कि मैं। डोंट फॉरगेट इट।